उर्वशी शेखावत, सुखदेव सिंह गोगामेडी की बेटी। और आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मेरे जो पापा हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है गद्दारों द्वारा। और मेरे पापा ने पहले भी प्रशासन को बहुत बार कहा था कि मुझे सुरक्षा दी जाए क्योंकि मुझे बहुत धमकियां आ रही हैं पाकिस्तान से और भी कई देशों से। और जैसे पंजाब पुलिस है, उन्होंने भी बहुत बार कहा था राजस्थान की प्रशासन को और सभी को कि इन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन कोई ने भी नहीं दी। और इसी का फल आज हम सब देख सकते हैं। और जैसे कि मेरे पापा के बहुत सारे जैसे सपने हैं जो कि मैं पूरे प्रयास करूंगी पूरे करने के लिए। और उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटे की तरह ही समझा है, मतलब बेटा ही बोलते थे और ऐसे बोलते थे तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं बेटा ही मानता हूँ और हमेशा तुम्हें अगर मैं नहीं रहूँ तो मेरी जगह हमेशा काम करना है। और जैसे वो दिन रात हमेशा सर्व समाज के लिए खड़े रहते थे, अब उनकी जगह मेरी मम्मा वैसे तो बहुत खड़ी ही रहती हैं और वैसे भी वो बहुत सहनशील है और खड़ी ही रहेगी, लेकिन मैं भी ये कह रही हूँ कि जहाँ मेरे माताओं बहनों को और मेरे दादा दादो साथ दादी साओं को अगर कोई को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं रात को भी वहाँ खड़ी मिलूँगी। और परिवार जैसे सुरक्षित रहे, अब इन्होंने जैसे पुलिस इधर चारों तरफ देख सकते हैं पुलिस ही पुलिस है, लेकिन तब इन्होंने कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई हमें, लाइक मेरे पापा को भी कोई कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान की गई। और इसी का फल आज ये सब है। वो बस हमेशा यही कहते थे कि राजनीति में हमेशा तुम्हें आगे ही रहना है और मैं ये सपना पूरी तरह से पूरा करूंगी और मेरा एक ही गोल है जो कि है पॉलिटिक्स। अब मैं भी उन्हीं की जगह राजनीति में आऊंगी। हाँ जरूर, जैसे मेरे पापा करणी सेना हो या सर्व समाज हो या फिर भादरा की राजनीति हो, विधानसभा क्षेत्र की राजनीति हो, मैं हर एक चीज़ में अब आगे ही रहूँगी। जैसे कि जो काम मेरे पापा ने किया था, अब जैसे वो हम हर एक गरीब जो भी है दलित समाज के लोग हैं इनके साथ भी बहुत अत्याचार होता है, उनके साथ भी हमेशा मेरे पापा खड़े रहे हैं तो मैं भी हमेशा खड़ी रहूँगी चाहे वो कोई भी समाज हो। मैं अभी 8th में ही हूँ और गोल मेरा एक ही है, वो है पॉलिटिक्स। नहीं वो अभी छोटी है, वो 1st क्लास में अभी। हाँ मम्मा से बात तो हुई थी, अब उन्होंने तो यही बोला है कि ठीक है अब रोने से तो कुछ नहीं होगा, अब राजनीति में ही बस आगे आना है और जो पापा ने नाम बनाया है वो हमें बनाना ही है। और जैसे कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम, जैसे कि हमेशा से चलती आ रही है मेरे पापा के द्वारा, अब मेरी मम्मा और मैं ही दोनों चलाएंगे इसे। और जितने भी मेरे पापा के सपने थे उन्हें मैं पूरा करना चाहूंगी। और जो भी जैसे गरीब लोग हैं उनकी सहायता करने में तो हमेशा ही हम आगे रहे हैं और आगे भी हम करते ही रहेंगे चाहे वो कोई भी समाज के लोग हों।